अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अकबर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मिस्टर इमरान मैकेनिकल। सब्सक्राइब कर लें और ये पेडिस्टल फैन जो कि आपके हर घर के अंदर मौजूद होता है, इसके बैरिंग जब खराब हो जाते हैं, गोले टेढ़ी हो जाते हैं, शोर करता है बहुत ज्यादा, इसके बैरिंग आप कैसे घर के अंदर तब्दील कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन भी दबा दें। जी तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये इसकी फ्रंट जाली खोल लेनी है प्लास की मदद से। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये इसके लॉक होते हैं, ये लॉक आपने पीछे करने हैं। और ये जाली हटा लेती है आपने। उसके बाद ये ब्लेड खोलने हैं इसके, ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसके ब्लेड को ये पेच दिखाएं। ये इसके अंदर यहाँ पे पेच होता है, ठीक है, ये स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये आपने खोल लेना है। इस तरह ये देखे, ये अगर सख्त हो तो इस तरह पीछे से पेचकस की मदद से थोड़ा आगे जूम करके दिखाओ, यहाँ से पेचकस एक मुंह का डाल के आपने आराम आराम से इसको चोट करनी है और इसको आगे की तरफ धकेल देना है, पुश करना है पीछे की मदद से, बाद का हाथ की मदद से भी निकलाते हैं। ये देख कर लें, ये देखना इसके पार निकल गया। अब इसको पीछे से खोलना है, ये वाली साइड, इसके बाद इसका ये नाप खोलेंगे, ये इसकी रोटेशन वाली जो नाप है ना, इसके अंदर 150 का पेच है, ये खोल लेना आपने, ये देखें। इसके बाद ये इसके टापे के ये तीन पेच है, ये हमने खोलने हैं। और इसको इस तरह निकाल लेना, ये देखना, ठीक है। तो इसकी प्लेट जो है ना आगे वाली खुलने वाले, तो इसके बाद हम इसके भी ये प्लेट वाले स्क्रू खोलेंगे, ये वाले, ये चार स्क्रू जो आगे लगे हुए हैं। जी दोस्तों ये चार स्क्रू हमने खोल लिया, अब क्या करना है हमने, ये पीछे से इसका ये जो सेट लगा हुआ है ये वाला, ये खोल के इसके अंदर से शाफ्ट को आगे की तरफ पुश करना है। ये ढक्कन आपने खोल लेना है, ये वाला ढक्कन, ये खोलना है एक्सल तो थोड़ी देर, ये चेक कर लें, ये शाफ्ट रही है हमारी, इसको हमने सट माननी है, ठीक है। इस एक्सल, इस तरह का एक्सल ले लेना आपने, ये देखें आगे से, और एक्सल को इसके ऊपर रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख के थोड़ी की मदद से इसको मारना है। अब पकड़ा हुआ है, ये देखें, ये इसका रूटर बाहर आ गया, एक बैरिंग ये लगा हुआ है आगे की तरफ, एक पीछे अंदर की तरफ लगा हुआ है, वो हम एक्सल की मदद से बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पीछे लगा हुआ है, वो हम एक्सल की मदद से बाहर निकालेंगे, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये देखें, ये सामने बैरिंग आ रहा है, उसी के ऊपर यही वाला एक्सल रख के पीछे से हमने चोट करनी है। यहाँ से दिखाएं आप थोड़ा जूम करके, ये देखिए, ये भी बाहर आ गया है, ठीक है। इसका नंबर आपने नोट कर लेना है और उस तरह के नए बैरिंग ले लेना है, ये 6001 है, 6201 1201 का बैरिंग है, ठीक है। ये चेक करो, ये आगे वाली प्लेट हमने यहाँ पे चोट करके निकालनी है, ठीक है।
ये देखिए ये प्लेट बाहर आ गई है, अब हमने इस बैरिंग को बाहर निकालना है।